उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज हम लोग साथ रमजान स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है क्रीमी चिकन सैंडविचेस, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनता है। यकीन आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे पार्टीज में, रमज़ान अफ्तार के अंदर, शहरी में भी सारे बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, कोई इवेंट हो तो उसके लिए बना सकते हैं, ईद तो बना सकते हैं, गेस्ट आ रहे हैं हट झटपट बना सकते हैं, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो चलते हैं प्रॉपरली फिर रेसिपी की तरफ और रेसिपी को कहते हैं स्टार्ट। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सोचते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की जानी, वो रेसिपी करते हैं स्टार्ट। क्रीमी चिकन सैंडविचेस बनाने के सबसे पहले हमने एक कप हमने यहाँ पर ले लिया है चिकन, जिसको हमने बॉयल कर लिया था, बॉयल करने के बाद इसको श्रेड कर लिया है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हमने नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 प्याली हमने ले ली शिमला मिर्च, उसको हमने चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक, फाइन चॉप किया है। सेकेंड थिंग हम यहाँ पर 1 कप लेंगे भर के गाजर, उसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। इसी हमने यहाँ पर शामिल करनी है 1 कप हमने बंद गोभी इसमें शामिल करनी है, जिसको हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया है। साथ ही हमने 1 अदद बॉयल हुआ हुआ हमने एग लिया, जिसको हमने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया। देख सकते हैं कितना फाइन ग्रेट किया और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्टी सा लुक भी आ रहा है। देखते के साथ दिल चाह रहा है कि इसको खा जाएँ फटाफट से। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे यंग मायोनीस, ये तमाम इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि हमारी रेसिपी का हिस्सा है और जिसको हमने क्रीमी चिकन सैंडविचेस बनाने के लिए करना है इस्तेमाल। तो चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। हमने लिया 1 अदद बॉल, बॉल में हमने शामिल कर देनी है श्रेड हुई हुई चिकन। श्रेड हुई हुई चिकन के अंदर हमने शामिल करना है 1/2 टीस्पून सॉल्ट, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, वो भी हम इसमें शामिल करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही ब्लैक पेपर डलता है चिकन में, ओ फल्ला, इतना मज़ेदार से ज़बरदस्त सा इसका लुक और टेक्सचर आया था कि बस क्या ही बताएं। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें शामिल करनी है बंद गोभी, जिसको हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया था। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कैरोट, साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हरी शिमला मिर्च। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा, जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं हरा धनिया, ये हसबे ज़रूरत है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हरा धनिया को हमने अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद हमने इसमें ऐड किया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून क्रीम शामिल करेंगे, देन हम इसमें शामिल करेंगे लास्ट में मायोनीज़। तो 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। हमने यहाँ पर शामिल कर ली है क्रीम और अब हम इसमें शामिल करेंगे मायोनीज़। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें हमने यंग मायोनीज़ डालनी है, हमारी मायोनीज़ एंड हो गई है तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। देख सकते हैं 1 टेबलस्पून इसमें मायोनीज़ भी ऐड कर रहे हैं। हम इंग्रेडिएंट्स में डाल दिए, 2 टेबलस्पून हमने क्रीम शामिल की है, 1 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल की है यंग मायोनीज़ और अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। एनर्जेटिक और बहुत ज़बरदस्त से ये सैंडविचेस होते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत मज़ेदार होता है। अगर इसमें आपको लगता है कि और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। नॉर्मली तो यही वेजिटेबल्स डलती हैं, आप इसमें पोटैटोज़, कुकम्बर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, जो भी आपको सूटेबल लगे, या आप स्वीट पोटैटो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे भी फ्लेवर आपकी जो क्रीमी सैंडविचेस का जो फ्लेवर होता है वो बहुत मज़ेदार सा आ जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं हम इसको अच्छी तरह फोल्ड करें क्रीम और यंग मायोनीज़ के साथ, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाए। और उसके बाद हमने इसकी किस तरह सैंडविचेस बनाने के मैं आपको बताती हूँ। क्रीमी चिकन सैंडविचेस की फिलिंग हमने कर ली है रेडी और अब हमने इसके बनाने सैंडविचेस। अब सैंडविचेस कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ले लिए स्लाइसिस, स्लाइसिस को हमने जो कॉर्नर्स होते हैं उसको करने होते हैं कटिंग, तो अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं इसकी कटिंग। ये देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ आप इसका लुक देख सकते हैं, कितनी ही प्यारे इसके लुक के साथ कटिंग हो जाती है अगर आप इस तरह इसको कटिंग करते हैं। चारों कॉर्नर्स को हमने इसी तरह ही कटिंग कर लेना है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं हमारी जो सैंडविचेस हैं उसकी हमने कटिंग कर ली है और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चारों तरफ से कटिंग हो चुकी है। हमने तमाम जो स्लाइसेस हैं उसकी कटिंग करनी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमने तमाम स्लाइसेस को कर लिया है रेडी। सैंडविचेस किस तरह बनाएंगे ये आपको बताते हैं। बोर्ड ले लिया, कटिंग बोर्ड पर हमने शामिल कर देना है ये कैचअप, हाँ ब्रेड स्लाइसेस पर हमने रखना है कैचअप।
और अब हम इसके ऊपर रखेंगे फिलिंग। आप देख सकते हैं हमने फिलिंग इसके ऊपर टॉप कर दी है और इसके ऊपर हमने रख देना है ये। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह ट्राइंगल शेप में, तो आप ये देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत इसकी कटिंग हो चुकी है और इसका लुक देख सकते हैं। अभी हमारी सैंडविचेस में फिलिंग हो चुकी है और इसी तरह करके हमने तमाम सैंडविचेस को कर लेना है रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से क्रीमी चिकन सैंडविच हो गए हैं कम्प्लीटली परफेक्टली रेडी और हमने सब कर दिया है सर्व। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक, बहुत ही हेल्दी, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। आप लोगों को बहुत अब पसंद आने वाले हैं। आप लोग इफ्तारें बनाएं, पार्टीज में बनाएं, ईद पर बनाएं और इन्जॉय करें। आप नाश्ते बना के इसको खा सकते हैं और इन्जॉय। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं आपको उसको डिप करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ओह माई गॉड, बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी होने पर फटाफट जल्दी से जान और मैं रोज़े इफ्तार करूँ, उसको इन्जॉय करूँ क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा। मैंने इसको डिप करके बस यूँ ही रख दिया। रोज़े के टाइम पर, इफ्तार के टाइम पर मैं खाऊँगी। अगर आप